पप्पू तुझे जरूर आना है। पहली बार मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ओके। श्रीवास्तव जी हाँ क्या हुआ हाँ? आप क्या कर रहे हो? सब जल्दी करो। हाँ सब गड़बड़ हो जाएगा श्रीवास्तव जी। हाँ ठीक है। परेशान मत हो मुन्ना, सब कुछ वक्त पर हो जाएगा। ये कार्ड लो, सबको जाकर बांट दो। मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। ना ना ना, अपने पुराने लफंगे दोस्तों को मत बुलाना। बुटैक में जेंट्री आएगी। हाँ सासुमा, सब मुफ्त का चंदन घिसने वाले दोस्त हैं इसके। सामान खरीद के ले जाएंगे पर पैसे कोई नहीं देगा। मुन्ना तुम अपने दोस्तों को भी बुला लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका लाड तो देखो रिमझिम का। दीदी दुकान के उद्घाटन में अगर आप आएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। Looking forward to a long association with you. Kindly do the needful and oblige. Thanking you, yours faithfully, Sharma Group of Industries, Rakesh Sharma. You may go. Thank you, sir. May I come in, sir? Yeah, come in. Sir, हमने samples जो भेजे थे वो pass हो गए हैं और हमें order जल्द से जल्द पूरा करना होगा। उर्मिला मैडम ने पेपर साइन कर दिए हैं, आप भी कर दें तो मेहरबानी होगी। सर उर्मिला मैडम वैसे पढ़ी लिखी कम है लेकिन दिल की बड़ी साफ है। वो हम लोगों के बारे में, हमारी फैमिली मेंबर के बारे में बहुत कुछ सोचती है। मल्होत्रा साहब आप अपने काम से काम रखिए, इन फालतू बातों में मत उलझिए। ओके सर। जब हम तब से देख रहे, तुम क्या घिच-घिच लिखी जा रही हो? मेहमानों की लिस्ट है, जिन लोगों को उद्घाटन में बुलाना है उनकी लिस्ट। हमारी अम्मा ना, हम तो हमारी अम्मा ना अखबार पढ़ती थी, हमें बताती थी उर्मिला फला जगह में एक मंत्री ने जहाँ उद्घाटन की और वहाँ उद्घाटन की। सो हम भी सोचते थे उद्घाटन बड़े लोग करते हैं ना। अब हमारी दुकान के उद्घाटन में भाऊजी बड़े हैं लेकिन माची माची से उद्घाटन करवाए। उर्मिला जी माची नहीं आएंगी। आएंगी मत कीजिए उर्मिला जी, वो नाराज हो जाएंगी, बेकार में कुछ कह देंगी। हम पटाएंगे, हमारा भी नाम उर्मिला है। तुम देखो हमारा चमत्कार। देखा माँ, कार्ड छपा लिए उन लोगों ने, उद्घाटन करने वाले अपनी बुटीक का। जयंती इसी बहाने वो लोग बिजी तो हो जाएंगे। सब लोगों को नमस्ते। हम चाहते हैं माँ जी दुकान के उद्घाटन आपके शुभ हाथों से हो। हिम्मत देखिए आपने इसकी माँ, आपके हाथों से उद्घाटन करवाना चाहती है ये। रिमझिम को कुछ और नहीं सूझा जो तुम्हें सिफारिश करने के लिए यहाँ भेज दिया? अरे राम लल्ला की सौगन, ना ना ना, रिमझिम ने नहीं, हम खुद ही चले आए थे। अरे नहीं माँ, ये तो जलाने के लिए हमें बोल रही है कि इसने बुटीक खोल ली है। हमारे पैसों से तुम ये तमाशा कर रही हो और हमें बुला रही हो उद्घाटन करने के लिए? हाँ तुम जो दुकान खोल रही हो ना, वैसे हम 10 दुकान खोल सकते हैं और तुम जो महीने में कमाओगी वो हम एक दिन में खर्च भी कर सकते हैं। तुम्हारी औकात ही क्या है? निकल जाओ यहां से अपनी मनुष्यता का लेकर, जाओ निकलो। और तुम लोग सब कान खोल के सुन लो,
अगर कोई भी इनके दुकान के उद्घाटन में गया जो उनसे कोई भी रिश्ता रखा तो हम उनके साथ रिश्ता तोड़ देंगे, समझे तुम लोग? कहा था ना वो नहीं मानेंगे। तो अच्छे दिल से गए, मैं दुत्कार के भगात और इनसे मुंह पे ले। आप अपना मन छोटा मत कीजिए, देखिएगा उद्घाटन बहुत धूमधाम से होगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, अरे माँ संभाल, गिरेगा। अरे ले ले ले, ओहो, कब गधे की तरह सारा सामान काहे लदे हो? अरे माँ, अरे माँ दुकान में काम चल रहा है, गंदे हो जाते तो? हाँ पर इतनो सामान का गाड़ी में सब बन जाएगा? नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सामान डिक्की में आ जाएगा, कुछ बैक सीट पर, और आप तीनों एक गाड़ी में निकल जाइएगा। काहे तुम नहीं चल रही संगे? नहीं नहीं हम आएंगे ना, हम अविनाश के साथ आ जाएंगे। जो बात ठीक है, मरद दुगई संगे आ जाना है। ये सारा सामान उठाकर अपने कमरों में रख दो, चल। हेलो, राकेश बोल रहा हूँ। विनाश, कल उर्मिला जी के बुटीक की ओपनिंग है, घर में से तो कोई आएगा नहीं, हम चाहते हैं कि आप आए। अविनाश हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, प्लीज ये सब एक दिन के लिए भूल जाइए, आप आएंगे तो उर्मिला जी को अच्छा लगेगा और हमें भी। अविनाश आप हमसे कितना भी नाराज हो जाए, हम जानते हैं आप कभी हमारा दिल नहीं दुखाएंगे, आपका गुस्सा तो पल भर का होता है, हमें पूरा यकीन है कल आप हमारे साथ जरूर चलेंगे। क्या बात है उर्मिला, सोई नहीं, नींद नहीं आ रही क्या? आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आज हमारे मुन्ना बाबू की दुकान की उद्घाटन हो रही है, आप आओगे ना? बुआ आज ऐसी खुशी का दिन है कि हमारी तो नींद ही उड़ गई। अब देखो ये सब कुछ रिमझिम की वजह से हुई है, अगर रिमझिम ना होती ना तो ये दुकान कहाँ होती? रिमझिम है ही ऐसी उर्मिला, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी समझती है, सबका साथ देती है वो। सो तो है, पर ये बात सोचने वाली है कि उसका कोई साथ नहीं देता, वो सबके लिए अच्छा करना चाहती, पर घर वाले देखो कैसे उसे। इसी बात का तो दुख है उर्मिला, इस घर में कोई उसे समझना नहीं चाहता। अब देखना बेटी इस घर पे कितने संकट आए, लेकिन रिमझिम ने एक एक करके अपने तरीके से सबको दूर किया। Thank you.
जादू। क्या हुआ पारो, बहुत परेशान है? तू बता क्या बात है, मैं एकदम से सॉल्व कर दूंगा, तू बता। हे भगवान, लगता है तुमने कोई घिसी पिटी फिल्म देखी है। इतना अच्छा सपना देख रही थी, सब सत्यानाश हो गया। सत्यानाश कर दिया? हाँ? और नहीं तो क्या, वरना मैं प्लेन में बैठकर पेरिस जा रही थी और मेरे ऊपर नोटों की बारिश हो रही थी, पर तूने बीच में ही सपना तोड़ दिया। ओहो पारो, सपने कोई हकीकत में थोड़े नहीं होते हैं, सपने सपने होते हैं। अरे हकीकत में जीना सीख। और क्या छोटी सी सोच है तेरी पेरिस, मैं तो सोच रहा था कि तुझे प्लेन में बिठाऊं और पूरा पटना घुमाऊं। मेरे दिमाग से चलोगे ना तो खूब तरक्की करोगे और बहुत जल्द मालामाल हो जाओगे। पारो सच पूछना तो मैं तेरे दिमाग से ही चलता हूँ और मैं खूब मालामाल होना चाहता हूँ। कितना शुभ मुहूर्त है ना रिमझिम, आज मुन्ना बाबू का बिजनेस शुरू होने वाला है। लो 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 फटाफट डालो। हम लोगों के चक्कर में अविनाश बाबू भी तुमसे दूर, अब हम कहाँ बताएं? ऐसी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए, मुहूर्त का वक्त निकल जाएगा। चलिए रिमझिम ही है जो इतना सब कुछ सहकर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी है। इसकी जगह अगर और कोई होता ना तो कब का टूट चुका होता। ईशा मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं चाहकर भी रिमझिम की मदद नहीं कर पा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, जे मुन्ना बाबू को जे काम में लगा के, कैसे कि जो दिमाग खाली होता है ना वो शैतान बसता है उसमें, अब जब बिजी हो जाएगा तो सब ठीक हो जाए। रिमझिम हम साची बात कहते हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है हम पे। उर्मिला जी हमने कोई उपकार नहीं किया है, हमारा फर्ज है जो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सासू माँ अब हम भी बड़े आदमी बन जाएंगे, देखना हमारा मुन्ना बाबू कितनी मेहनत करता है। अभी मेहनत करेगा तो धंधा करेगा ही ना ठीक से। और एक बात बताएं, तुम अपनी नेक सलाह उसे मत देना। हाँ तुम जो हो तुम्हारे चक्कर में तो। ओहो माँ पारो कभी भी मुझे गलत बात नहीं समझाती। वो कहते ना हर एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बस मेरे पीछे भी पारो का हाथ है। हाँ देख लो रिमझिम जोरू का गुलाम। यस मिस्टर ओबेरॉय, सो फाइनली आवर डील कम्स थ्रू। जी हाँ वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए ओके, आई विल स्पीक टू यू लेटर, बाय बाय।
क्या बात है भैया, बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ अविनाश, आज हमें उन तीनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। क्या मतलब? अविनाश, मैंने किसी को उनकी गाड़ी का नंबर दे दिया है। जब तक हम दोनों घर पहुंचेंगे, वो लोग ना सिर्फ हमारी जिंदगी से, हमारे घर से, बल्कि इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। रिमझिम, आपने क्या किया? क्या हुआ? उस गाड़ी में रिमझिम है। क्या? रिमझिम का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। राकेश बोल रहा हूं, वो आदमी कहाँ है? क्या निकल गया? क्या हुआ भैया? अविनाश, वो आदमी काम पर निकल चुका है और उसके पास मोबाइल भी नहीं है।